हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आलू और सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और मसालेदार फूली फूली पूरी की रेसिपी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा बर्तन, फिर हम डालेंगे इसे एक कटोरी सूजी। तो सूजी यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप इसे मिक्सी में एक बार चला लें तो ये सूजी बारीक हो जाएगी। फिर हम उसी कटोरी से इसमें एक कटोरी गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से सूजी हमारी बहुत ही जल्दी फूल जाती है। तो हम इसे पानी में अच्छे से मिला देंगे और फिर हम इसे सेट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारी सूजी फूल रही तब तक चलिए हम मसाला मिर्ची तैयार कर लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है। इनको मैंने इस प्रकार से 20 से 1 कट मार दिया है, जिससे कि जो हम मसाला बनाएंगे ये अंदर तक अच्छे से लिपट जाए इसमें। इस तरफ हम गैस पे एक पैन रख देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। हम जैसे अचार या मिर्ची का अचार, कोई भी अचार बनाते हैं ना, तो उसमें सरसों के तेल ही यूज करना चाहिए, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने, आधी चम्मच हींग और 1 चम्मच डालेंगे हम हरी कुटी हुई सौंफ, इसको हमने कूट लिया था। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी को हल्का सा कलर आने तक पकाएंगे। तो ये लीजिए, मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो यानी हमारे मसाले बढ़िया से पक गए हैं। तो अब हम इसमें चुटकी भर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और फिर इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो सभी हलवाई मिर्ची के अचार में डालते हैं। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें बेसन, इससे हमारा मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इस बेसन को भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो हमारे सभी मसाले पक गए हैं, तो जो हमने मिर्ची को काट करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी इस प्रकार चलाते रहेंगे, जिससे कि मिर्ची हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाए और ये सारे मसाले इसमें चिपक जाएं। अब हम इस मिर्ची के अचार में डाल देंगे 1/2 नींबू का रस और फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हमने इसमें सादा नमक भी डाला है और 1/2 चम्मच डाला है आमचूर पाउडर। अब हम इन्हें धीमी आंच में इस प्रकार से 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि मिर्ची हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए, चटपटा तीखा और सुपर टेस्टी हमारा मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जब भी आपका सब्जी बनाने का मन ना हो ना, तो आप इसे पराठे के साथ इस मिर्ची के अचार को खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने इधर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम 1 ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप इन्हें हाथों से ना मसलें, इससे अगर आप हाथों से मसलेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और पूरी बेलते समय एक समान नहीं बेलेगी। तो हमने इसे ग्रेटर से इस प्रकार ग्रेट कर लिया है। तो लीजिए, आलू हमारी ग्रेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं हमारी सूजी अच्छे से फूली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और ये डो हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हम इस प्रकार से अच्छे से चला लेंगे और फिर हमने जो ग्रेट की हुई आलू ली थी उसको हम ले लेंगे। तो मेजरिंग के लिए आप ध्यान से देखिए, मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने पानी भी डाला था और उसी कटोरी से मैंने आलू को भी नाप लिया, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हम अजवाइन। इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा आने लगता है। और फिर डाल देंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे इसमें कलर आएगा। और फिर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी, इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हम डाल देंगे इसमें हरी धनिया और अब हम इन सभी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स।
आप इन चटपटी पूरियों को नाश्ते में भी बना सकते हैं, ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, बच्चे सारे इसे फिनिश करके आएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और ठंडी हो जाती है तब भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिलाने के बाद अब हम डाल देंगे उसी कटोरे से एक कटोरी गेहूं का आटा और इस स्पेचुला को हटा देंगे और हाथों से इन्हें हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैंने चुटकी भर हींग डाली है और अब हम इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा आटा और लगेगा, ये थोड़ा सा दो ढीला लग रहा हो, तो आप इसमें आटा थोड़ा और डाल सकते हैं। इस पे हमने आलू डाला है इसलिए इसका आटा ज़्यादा सख्त नहीं लगेगा, तो इस पे थोड़ा सा तेल डाल देंगे, करीबन 2 चम्मच तेल मैंने डाला है और इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए डो हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं है, यह हल्का सॉफ्ट डो बना है। तो अब हम इसे ढक के 1.5 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो 1.5 मिनट हो चुके, हम ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और अब हम इस आटे के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे जिससे कि हमें बेलने में आसानी होगी। ये देखिए, ना ही हम ज़्यादा बड़े बॉल बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटे बनाएंगे, जितने हम नॉर्मल पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस उसी प्रकार हमें इसकी बना के तैयार करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये डो हाथों में चिपक रहा है, तो आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर इसकी लोइयां बनाएं, तो ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार से हमने सारी लोइयां बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और फिर हम इसमें एक लोई रखेंगे। चॉपिंग बोर्ड में मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया था और बेलन में भी लगा दिया था, इससे ये हमारी लोई चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए, हमें इसमें कोई भी आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बेल के तैयार हो जाएगी। इस पूरी को हमें नॉर्मल पूरी से थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इस तरफ हमने गैस पे एक कढ़ाई में तेल डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर हम इसमें इस प्रकार से पूरी डालेंगे और इसको हल्का सा बीच में दबाएंगे। ये देखिए, दबाते हुए आप देख सकते हैं हमारी पूरी बढ़िया से फूल गई है। पूरी बनाने के पहले तेल को हाई फ्लेम में गर्म करना है और फिर पूरी डालने के बाद हमें गैस को धीमी कर देना है जिससे कि पूरी हमारी अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो पूरी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो मैंने यहाँ पे पहली बार में एक पूरी डाली है, आप इसकी जगह 3 से 4 पूरी डाल सकते हैं। तो लीजिए, पूरी का कलर हमारा चेंज हो गया है और ये बढ़िया से पक गई है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी पूरी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो दूसरी बार हमने कढ़ाई में 3 पूरियाँ डाली है और इनको भी हम इस प्रकार चलाएंगे हल्का हल्का और फिर हम कचली से हल्का सा दबाएंगे जिससे कि हमारी पूरी अच्छे से फूल जाए। तो लीजिए, हमारी पूरियाँ अच्छे से पक गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम सभी पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो पूरियाँ हमारी बनके तैयार हैं, तो चलिए इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने केचप रख दिया है और अपने मिर्ची का अचार रख दिया है और अब हम इसमें रखेंगे फूली फूली मसाले वाली अपनी पूरियाँ। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।